गाइस हमारे गेम के अंदर जो लैब वाला ऑप्शन आया है तो इसके अंदर जाने के बाद हम सभी को तीन बंडल देखने को मिल रहा है। अच्छा, पहला अपना कोबरा बंडल हो गया, दूसरा अपना बोया बंडल हो गया और तीसरा अपना रैम्पेज यूनाइटेड बंडल हो गया। ठीक है, मतलब कि लैब इसलिए है कि इसमें ईवो बंडल सब रहते हैं। जैसे कि अपना हम लोग अगर ईवो गन लेते हैं तो अपना ईवो गन सब एक साइड में रहता है, वैसे अपने बंडल के लिए ये लैब आ गया। तो लैब के अंदर जो रैम्पेज यूनाइटेड बंडल एड होगा तो उसके बारे में आपसे दिखाने वाला हूँ कि कैसे बंडल होने वाला है। तो रैम्पेज यूनाइटेड बंडल का रिव्यू कराने वाला हूँ कि वो बंडल कैसा होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, उसका इमोट क्या होगा, एनिमेशन क्या होगा, सारा कुछ डिटेल से आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर देना हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। चलो भाई देखो अपने क्या लगता है। सो गाइस आप अगर आते हैं तो लैब वाला ऑप्शन पे तो आप सभी को तीन बंडल देखने को मिल जाएगा। कोबरा बंडल जो हमारे गेम के अंदर आ चुके हैं और बोया बंडल भी हमारे गेम के अंदर आ चुके हैं और रैम्पेज यूनाइटेड बंडल, ठीक है। तो ये हमारे गेम के अंदर अभी तक नहीं आया है, तो ये बंडल आ जाएगा 25 जून को, ठीक है। तो 25 जून को आएगा टोकन टावर इवेंट। आप सभी पता कि जब भी कोई वो बंडल आता है हम सभी को टोकन टावर इवेंट में देखने को मिलता है, उसी तरह हम सभी को रैम्पेज यूनाइटेड बंडल हम सभी को 25 जून को देखने को मिल जाएगा। तो ये टोकन टावर इवेंट में आने वाला है, ठीक है। तो किस तरीके से होने वाला है देखो आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये है रैम्पेज यूनाइटेड बंडल, ठीक है। तो ये बेसिकली ईवो बंडल होने वाला है, आप सभी पता है। और इसका आप लोग हेयर देख सकते हो, टब देख सकते हो, पैड देख सकते हो, सू देख सकते हो, सो काफी अच्छा है। तो जैसे आप लोग ये एनिमेशन देख सकते हो, सो काफी अच्छा एनिमेशन है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जो ये इमोट देख रहे हो ये अपना रैम्पेज यूनाइटेड बंडल का मेन इमोट, ठीक है। अगर ये इमोट हम लोग मारते हैं तो अपना स्क्वाड डांस करेगा। जैसे कि अपना कोबरा बंडल में होता है कि हम लोग अगर एक इमोट मारते हैं तो अपना कोबरा का मेन इमोट तो अपना स्क्वाड डांस करता है, उसी तरह ये इमोट होने वाला है। सो काफी अच्छा इमोट है और इसके अंदर हम सभी को चार इमोट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो ये है एनिमेशन, मतलब कि आप लोग लोबी में जाके ये इमोट अगर दिखाते हो तो आपका ड्रेस भी चेंज हो जाएगा, मतलब कि अभी येलो देख रहे हो तो उसमें ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने रेड पहना होगा तो वो भी ब्लू हो जाएगा। सो ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। तो आप चलो आप सभी को रैम्पेज यूनाइटेड बंडल का रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है। सो जैसे आप लोग ये येलो बंडल देख रहे हो, सो येलो बंडल भी काफी अच्छा है, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आया। और इसके बाद आप लोग ये ब्लू बंडल देख सकते हो, ठीक है। सो इसको आप लोग पानी वाला ये बंडल बोल सकते हो, सो ये काफी अच्छा बंडल है और रैम्पेज यूनाइटेड बंडल का नाम काफी अच्छा अच्छा बंडल है, ठीक है। और बंडल तो चाहे लेकिन उससे भी खतरनाक है इसका एनिमेशन, ठीक है। सो इसका एनिमेशन भी मेरे को काफी पसंद आता है, ठीक है। और इसके बाद आता है अपना पर्पल बंडल, ठीक है। तो ये पर्पल बंडल देखने को भी काफी अच्छा लगता है। और अपना नेक्स्ट में आता है रेड बंडल, ठीक है। तो ये रेड बंडल भी काफी अच्छा है। तो ये चारों बंडल का जवाब ही नहीं, सो काफी अच्छा अच्छा बंडल है। और रैम्पेज 4.0 इवेंट के अंदर से हम सभी को काफी सारे रिवार्ड बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, तो उसका कैलेंडर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, आपसे बता दूंगा। और आप लोग कमेंट करके बताने की आपका ये तीनों इवो बंडल में से कौन सा फेवरेट बंडल है, ठीक है। कोबरा बंडल या फिर बोया बंडल या फिर रैम्पेज यूनाइटेड बंडल, ठीक है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि मेरा वीडियो आपसे पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करते हो जाना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।